क्या है? मैं हूँ. अरे कुछ भी, सुबह सुबह मेकअप तो कर लिया करो. अच्छा, गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग भग्गू. क्या हुआ? यार देखो, मतलब ऐसे काला काला घुस गया एकदम, मतलब स्किन जो है रात में इतना रगड़ के, मतलब कपड़े धुलने वाला साबुन भी रगड़ा तब जाके निकला, सूख गई है चमड़ी एकदम, पपड़ी उंगलियां भी देखो कैसे फूली फूली हो गई हमारी. चाय तक नहीं बना पा रहे, तुम बना दो. अच्छा मुंह तुम काला करो, चाय में बना के लो. तुमको पता है मुझे चाय बनाना आते ही नहीं है. अरे तो तुम्हारा मुंह काला कर देते. क्या मतलब? लाल पीला. अरे यार बेनी, तुमको ऐसे भी बनाओगी पीना पड़ेगी. अरे हम जानते, जहर बनाओगी तुम. मेकअप कर लो जाओ. मौसी रुको रुको, तुम लोग सुबह सुबह क्या हुआ? अरे हमें हमें आपसे कुछ कहना था. असल में प्रॉब्लम जी एक. अरे तुम्हारी हम जानते हैं. ले आओ मैथ्स की किताब. ट्रिग्नोमेट्री में फंसते, इनका बाप तो बचपन में हमें से सीखता था ना, यही ले आओ तीनों किताबें. नहीं ऐसी कोई बात नहीं है. तो बिनी अंकल, हमें आपसे एक रिक्वेस्ट थी. हाँ. आप हमें गोद ले लो. आप प्लीज 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 गोद ले लो. बोलना गोद ले. गोद ले लो प्लीज. बताओ ये बच्चे ना, मतलब रोज नया कुछ सगुफा, कुछ नहीं बदमाशी. ठीक है गोद. अब चमची बेटा तुम आ जाओ, हम तुमको गोद ले लेंगे. नहीं चमची को मैं गोद लूंगी, तुम ऋतिक को ले लो. अरे नहीं नहीं, तुम ऋतिक को लो ना, हम चमची को ले लेते हैं, क्या दिक्कत है? मतलब मैंने बोल दिया ना मैं चमची को गोद लूंगी. अच्छा ठीक है भैया आओ. आए जी. तो मुझको भी तो कोई गोद ले लो, मैं भी तो ऐसे ही हूँ, मुझको गोद कौन ले गो? अरे तो को गोद कैसे हम तुमको समझाए गुरु. देखो ऐसे बात नहीं, तुम भी हमारे लिए बच्चे ही हो, लेकिन तुम बड़े हो गए हो. तुमको अब तुम छोटे बच्चों को गोद उठा सकते हो, ऐसी हालत है. इतना वेट जो है ना, हम एक्सरसाइज इतना न करते हैं बेटा, हमारी कमर लचक जाएगी. एक मिनट, आप कौन से वाले गोद की बात कर रहे हो? बेटा 10-12 गोद तो होती नहीं है, एक ही गोद होती है. गोद में बेटा. अरे बड़े गोद में. अरे यार, हे भगवान, बड़े तेजस्वी लोग हैं आप. ओ तेजस्वी. नहीं नहीं, हम असल में अडॉप्ट की बात कर रहे हैं. आप हमें अडॉप्ट कर लो. अडॉप्ट कर लो प्लीज. क्या हुआ बेटा, सब ठीक तो है? तुम लोग क्या मतलब, तुम्हारे मम्मी पापा ने तुम लोग को कुछ डांटा फटकारा? हाँ. कुछ ऐसा किया? नहीं. तो उन्होंने हमसे कुछ नहीं कहा. हाँ. उल्टा हम बाहर वालों का सुन सुन के पक गए. इतना सुना है कि अब कुछ सुनने लायक ही नहीं बचे. हाँ, और आप दोनों एक और काम करो, हमारा ना नाम चेंज कर दो बस. क्योंकि हम जैसे ही बाहर निकलते हैं लोगों को बताते हैं कि हम दरोगा हप्पू सिंह के बच्चे हैं, तो वो हमें लात मार के भगा देते हैं, हमारी बैंड बजा देते हैं. बेनी अंकल, हमारा ना लोगों ने जीना दुश्वार कर रखा है बाहर. आपको पता है हम जब भी रास्ते पे गुजरते हैं ना, तो लोग हमें देख के कहते हैं वो देखो जा रहे हैं, देशद्रोहियों के वंशज, वो देखो जा रहे हैं, वो देखो जा रहे. बस 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 बस, समझ गए तुम, न्यूज चैनल में जाओगे. बीन अंकल आपको पता है लोग हमें ऐसे घूरते जैसे खाई जाएंगे, इतनी नफरत करते हैं हमसे. मौसी आपको पता है हम रिक्शा में बैठे थे, बीच रास्ते में उसने हमें उतार दिया. क्यों? क्योंकि उसे पता चल गया ये के बच्चे हैं. समझ गए तुम लोगों की बात से हम बहुत भारी रूप से इत्तेफाक रखते हैं भैया, काहे का हमारे ऊपर भी वैसी गुजर रही है जो तुम लोग के ऊपर बीत रही ना, स्कूल जाते में खेलते में. तो इन सबको लेके घर परिवार से अच्छे से डिस्कस करना चाहिए. पिताजी माताजी को बताया? बताना पड़ेगा ना, समझाना पड़ेगा कि क्या गुजर रही है, इसका कोई हल निकालना पड़ेगा. यार तुम क्यों चिल्ला रहे हो, समझ नहीं आ रहा मुझे? कमजोर दिल है मेरा, फट नहीं जाता है. क्यों? हाँ फट जाएगा एक दिन. आओ इधर, तुम अंदर चलो. जाओ पहले. भेज दो तुम्हारे अंकल को. बेटा मुझे गोद ले लो, मैं इस औरत के साथ नहीं रहना चाहता. अरे वाह, दरोगा जी से साड़ी देखो, मंगा लेगा 3,300 की बस. प्लीज 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 दरोगा जी. हाँ बोलो ना. हम मंगा रहे हैं बस, ये हमने डालो कार्ट में. हाय पपैया, ये तो उससे भी सुंदर है. दरोगा जी ये देखो, तुम्हारा फेवरेट कलर भी है.
दरोगा जी कब हो? देखो ना, है ना सुंदर, मंगा ले। एक सुनो, हमारी बात सुनो। हाँ ठीक है, अच्छी है, दो 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 टाइये मंगवाएंगे। हम क्या कह रहे हैं, सुनो, ओ दादा। अच्छा कॉफ़, चल भाई साड़ी देखते हैं। हम क्या कह रहे, घर में वो एक अटैया वो करुणा वाली मास्क रखे का? मास्क खाए दू रो पहले हमसे। अरे गैप करके बात करो, बताओ। ओ दादा पूरी बात तो सुन लो, हमें कछु ना भाव है, हमें कछु नहीं भाव यार। हम मास्क को मतलब जो है कि हमें वो मास्क लगा के जाने आने में आसानी हो जाएगी। हमें घबराहट हो रही है कि हम अगर ऐसे ही गए हो लोगों ने हमें पहचान लो, सारे भीड़ को रे लगा के हमारा मुँह कारू ना कर दी। हम सोच रहे हम कान पक गए हैं, गद्दार को पोता सुन सुन के। जय किला ने पूछ रहे तुम तक ये लगा रही, हम मनोबल गिरा रही। सॉरी सॉरी, हमें बुरू लग गो। सॉरी सॉरी, बात तो तुम ठीक कह रहे हो दरोगा जी, हमारो भी समझ में कछु नहीं आ रहा। एक काम करो, तुम ना अपने दादाजी बदल लो। काकी तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? दादाजी ना हो गए सारो फोन हो गो, आज खराब हो गो कल दूसरो मॉडल ले आओ। कैसी बातें कर रही तुम जी, दादाजी बदल लो। हमारी तो छोड़ो ससुर, बहनी तक को ना छोड़ो, बाको मुंह कारो कर दो। बहनी को छोड़ो, हमारे पापा को नहीं देखो, ते गोरे चिट्टे आदमी उनकी। पापा गोरे चिट्टे तुम्हारे? हाँ मतलब हमारा मतलब बहनी जितने नहीं है पर गोरे चिट्टे हैं तो सही यार। लोगों ने उनका मुंह भी ऐसे काला करके धोच दो कि काला रंग छुड़ाते छुड़ाते साबुन जो है कोयला जैसा होगा। अरे ऐसे का परेड चल रही है का जो लाइन लगा के आ रही हो? का है? रातों की नींद, सुबह का चैन, शाम का सुकून, सब कुछ छिन चुका है पापा। जो कौन सी फिल्म को डायलॉग बोल लो? जाके कहने को मतलब है हम अपनो जो सरनेम बदलना चाहते हैं। हाँ, हमें इस खानदान का हिस्सा नहीं रहना है। Yes, meaning me is Kate. Me don't wanting any association with any गद्दार. It is bad for my reputation. अरे चुप कर। तेरी काई की रेपुटेशन? ते छाती मार के पैदा करो बाप ने नाम, पड़ोस में पता कर ले। कैट बैट कुत्ता बिलंगन के नाम होते हैं, रेपुटेशन हो रही तेरी। नहीं नहीं बापू, एक सेकंड मेरी बात सुन तो पहले। इन सब का छोड़, मन ने तो हरियाणवी पुलिस में भर्ती होना है ना। अगर किसी को पता चलेगा मैं गद्दार की फैमिली से हूँ, कौन भर्ती करेगा मुझे पुलिस में? कौन करे बात कर रही गद्दार की फैमिली? ऐसा है बेटा मलाइका, परिवार ना परिवार होता है, ठीक है? आई बड़ी वकालत करने, जब भी परिवार कोई मुसीबत में हो ना तो उसके साथ खड़ा रहना चाहिए। एक तुम्हारे पापा है, तुम नमनो ठैया को अपना 18 हाथ 18 दिमाग मानते हैं। अजय तुम हो गद्दार की फैमिली से, शर्म नहीं आती तुम लोगों को ऐसी बात करते हुए? ओके मदर, यू आर राइट, बट मी नीडिंग टू फाइंडिंग द वे आउट ऑफ इट, अदरवाइज ऑल पीपलिंग सेइंग आवर फैमिली डिसऑनेस्ट। ए पीपलिंग, हिंदी में बोलो। नहीं नहीं नहीं, इस बार मैं समझ गया, ये कहना चाह रही है कि हमें जल्दी कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा, वरना लोग हमारा जीना हराम कर देंगे, राइट दीदी? करेक्ट, ये बात हमारी भी समझ में आ रही। दरोगा जी सही कह रहो, सही कह रहो, कछु ना कछु करना ही पड़ेगा, नहीं गद्दार ही के पोता कहलाते रहेंगे। जो दादा ने जो दाग लगा हुआ है ना माथे पे हम आए, वो सिर्फ और सिर्फ अब बहादुरी के मेडल से धुलेगो। हम का कह रहे, हमने जो सोची कि हम अफीम कोठी में ना बम रखवा देंगे, कैसी कही? मम्मी श्रीवास्तव सरनेम कैसा रहेगा? अरे ते हम आइडिया दे रहे, तू श्रीवास्तव के खानदान में काहे घुस रही? क्योंकि हमें आपका आइडिया बहुत घटिया लगा इसलिए। अरे तो पूरे सुन तो ले पहले, लड्डू से गपा कर रही है। हमने जो बम रखवा दे मतलब होगा काम, पूरे सुनो ही नहीं। अरे बहनी से हमने बात कर ली है, हम बहनी से कहेंगे अफीम कोठी में बम रखेगा, और फिर जब वो बम रख देगो तो वो फटेगो नहीं, वो होगो नकली बम। दरोगा हप्पू सिंह बन के हम जाएंगे पूरे सारे लोगन के बीच में, मोहल्ला वोल्ला हल्ला मच जाएगा शहर में। हम बम को निकाल के सबके सामने फटने से पहले कि हमने पकड़ लो हल्ला हो जाएगा ना शहर में, दरोगा हप्पू सिंह बहादुरी को किस्सा हो जाएगा। फटेगो थोड़ी, को नुकसान भी नहीं होगा। अब बता कैसे कोई दादी अम्मा बन रही? ठीक है मतलब। एक मिनट दरोगा जी, ये बात दुनिया के सामने कौन लाओगे? Don't think taking tension anybody. Me is gonna tell my dear friend Kamlesh, and Kamlesh spreading the bravery of our father. क्या कह रही?
जी शायद जी कह रही है कि जी कमलेश भैया को जाके बारे में सब कुछ बता देंगी, फिर कमलेश भैया अपने न्यूज चैनल में जा न्यूज को कवर कर लेंगे, है ना? करेक्ट करेक्ट। ना 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 ना, वो कौवे को कछु भनक ना लगन दियो, वो तेज दिमाग को लौंडा शक कर जाएगो। बाको सीधे सीधे कछु नहीं बताने, तो ना गोल मोल लपेड़ लपेड़ के बातें करो, सीधे बात करेंगे हम सिर्फ बैनी से, ठीक? हम जा रहे बैनी के पास, ठीक है? ठीक। तुम तो देखो मत साले, हैं? मतलब तुम्हारे जो खानदान में जितने भी गद्दार हुए हैं ना, वो गद्दार का जो खून है ना अभी भी बह रहा है तुम्हारे शरीर के अंदर, हम सब समझ में आ रहा है, हैं? गई नहीं, खत्म नहीं है, सिर्फ वही नहीं था गद्दार, तुम भी हो ससुर, तुम्हारे चक्कर तो कैसे हमको छोड़ के चले गए और ससुर जी के साथ, बताओ यार, मस्ती मजाक अलग है लेकिन ऐसे छोड़ देना, तुम्हें लग रहा है हम छोड़ के जा सकते हैं? हम छोड़ के, यही तो गलतफहमी है, छोड़ के नहीं गई थी, हमारे दिमाग में अचानक से एक बेहतरीन आइडिया कौन दो, हमने कहा नहीं पहले जाके ऊपर आत्मचिंतन बहुत चाहिए, हम तो ना डिस्कस के लाने थोड़ी साइड हो गए थे। चुमूलाल चुप रहो साले, तुमको हम बचपन से जानते हैं, झूठ बोल रहे हो। बड़ास निकल गई, अब सुना है आइडिया? कहो हाँ। बको, बको, अरे अब सुनो, सुन, कल हम तो को ना एक ठैया देंगे बम। ले शुरू से एकदम पूरा एकदम मट्टी पलीत कर दी इसे। सुन तो लियो, पहले लड्डू से गपक ले तो दरोगा होगा, तुम बम बम की बात कर रहे हो, बम देंगे। अरे दरोगा है तो वहीं तो दिमाग में, हमने क्या बोली आइडिया, सुन, वो जो हम बम देंगे ना वो तो के देंगे हम नकली बम, तू को ले जाके बस एक जगह रखने हैं और फिर तू जब रख देगू हमें इन्फॉर्म करेगू, फिर आएगो दरोगा हप्पू सिंह और जब बम को ढूंढ लेगू ना सारो पूरा हिंदुस्तान देखेगो कि हम गद्दार की पोता हो सकती हैं, लेकिन हम गद्दार नहीं है दादा। कैसी कही, कैसी कही आइडिया, कैसे चोमूलाल? हाँ। क्या है ना, तुम भले गद्दार नहीं लेकिन हो तुम बहुत बड़े चोमू, ये बताओ। हाँ। दुनिया तक आवाज कैसे पहुंचेगी, मीडिया प्रेस वालों को कौन बुलाएगा? हाँ, जो हमें पता तो तुम पूछोगे, वकील हो ना, हमने कहा है शक्कर को दाना डाल दो, चिटियां अपने आप आएंगी ना, बाकी टेंशन तुम ना लियो, तुम सिर्फ बम पे ध्यान दियो। अरे देखो, चीटी शक्कर के दाने का बम, हमको ये सब कुछ समझ में नहीं आ रहा है चोमूलाल। सुनो, हम जा रहे हैं, तुम रजा यही मजा करो, हटो, अब तुमसे मतलब है नहीं। बात तो समझ, सारे अकेले समझ लोगा, दो मिनट के लाने हम गए, तुम सारे धी के लट आई, फिर कालू कर गए। चोला, ये बताओ। हाँ, क्या कह रही? बम कहाँ रखना है? हेलो रॉबर्ट, मैं छांजरिया। सुनो रॉबर्ट, मैं तुम्हारा सामान काले बैग में रख कर ठीक 6:30 बजे अफीम कोठी में रख के जाऊंगा, तुम वहां से बैग उठा लेना और पैसा मेरे स्विस बैंक वाले अकाउंट में ट्रांसफर कर देना। गॉट इट? ओवर एंड आउट। पता नहीं कहां रहोगे कमलेश। मदर डोंटिंग स्ट्रेसिंग, कमलेश इज ऑलवेज लेट, मीनिंग लाइक peopling taking 9 months coming out of mother belly, right? But Kamlesh taking 10 months. बेटा, हमको लगता है ना कि हम दुनिया की पहली माँ हैं, जाको अपनी बेटी की बात समझने के लिए भी ना एक ट्यूशन टीचर रखनी पड़ेगी। कछु हिंदी में बकले। मम्मी मैं ये कह रही हूँ, कमलेश ना हमेशा ही लेट होता है। अब बच्चे अपनी माँ के पेट से बाहर निकलने में 9 महीने लगाते हैं, कमलेश ने ना वहाँ भी 10 महीने ले लिए थे, हमेशा लेट होता है वो। क्या बताएं बेटा, हमको लगता है ना हमारे परिवार पे मुसीबतन का पहाड़ टूट गया है, हमारे पूरे परिवार को सब लोग तुम्हारे पापा को सब गद्दार समझने लगे हैं। Yes mother, you are right. Meaning today me walking on the road, no, people telling me गद्दार गद्दार, but me also telling people that who says is मतलब जो बोलता है वो वही होता है। केट, भले ही दरोगा जी के डोकर के डोकर को दुनिया गद्दार मानती हो, लेकिन यहाँ से ना दरोगा जी की देशभक्ति कम नहीं हो जाती। हाँ, पता है दरोगा जी बता रहे थे कि
कल ना वो अफीम कोटी के पास एक आतंकवादी के छिपे होने की खबर आई है। Oh my God, mothers, meaning terrorist hidings? How? Hiding. अगर दरोगा जी गद्दार होते तो जाके कौन बिल में छिप जाते? हाँ, नहीं तो वो आतंकवादी को कहते कि एक आध बम हमों को दे दे, हमों ले जाके फोड़ देंगे ससुर। लेकिन नहीं, दरोगा जी ने फैसला लो कि वो जाके भले चाहे जितनी बेइज्जती हो जाए, चाहे जो कछु ना हो जाए, वो टेररिस्ट को धर दबोचेंगे। My father is so brave, meaning me prouding of my father bravery. But mother, me is English minute. पतो है मैं, हम भी दरोगा जी से यही कह रहे थे कि कहाँ पड़ जाओ इतने रिस्क लेके, दुनिया में एक आदमी ऐसा नहीं जो आगे अपनी जान दांव पे लगाने वाली बात दुनिया को बता सके। लेकिन नहीं, you're right mother, meaning ना honesty is the banishing from people, no honest people. सही कह रही बेटा, एक आदमी नहीं जो ऐसे आदमी की बहादुरी आकर दुनिया को बता सके कि अपने जान हथेली पे रख के दरोगा जी ने वो अफीम कोटी में बम रखने वाले आतंकवादी के लिए पकड़ने खातिर आगे गए। दुनिया बहुत मतलबी हो गई है। Yes, meaning no truth leaking people in the world, no truth leaking. Kamlesh? Kamlesh? What happening, Kamlesh? Sorry, me telling you wrong, but right now you are wrong. Me leaking truth persons. And right now, Happu Uncle Truth. मैं सच्चाई पसंद करता हूँ, सच्चाई का साथ देना पसंद करता हूँ। अब मैं अफीम कोटी पे जाके सबसे पहले ये ब्रेकिंग न्यूज अपने न्यूज चैनल पे ब्रेक करूंगा, चारों तरफ सनसनी 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 फैला दूंगा। Kamlesh, you helping us? Yeah. Mother, don't worry now. Kamlesh helping us. हेलो रॉबर्ट, माल जगह पर रख दिया गया है। बेनी भी एक नंबर को पगला आदमी है, बताओ सामने ही ऐसे बम रख गऊ, एक नंबर को पजामा है। लेकिन वो सारो दूसरो लोंडा कहाँ गो, कौआ ना देख रहा हूँ। सुदर्शन को लोंडा आए तो कछु बात बने दादा। हप्पू सिंह इस सुनसान जगह में क्या तुम्हारा गद्दार दादा यहाँ पर चाय लेकर आएगा? चुपचाप बता कि तू यहाँ क्या कर रहा था। बहुत मुँह चल रहा हुआ तेरू, हम सारे ये तो खींच के मारेंगे ना, सारे गर्दन गिरेगी कश्मीर में और धड़ गिरेगा सारे कन्याकुमारी। Oh my God, सर देख रहे सर, एक पुलिस वाले के सामने एक पुलिस वाले को मारने की धमकी दे रहा है ये आदमी। अप्पू सिंह, मैं तुम्हें न्योछावर खोर सही लेकिन एक अच्छा पुलिस वाला समझता था, कम से कम देश के साथ गद्दारी तो नहीं करते। लगता है मुझे मेरी सोच बदलनी पड़ेगी। ना ना ना, आप अपनी सोच बिल्कुल ना बदलो साहब, हम कसम से कह रहे हैं, हमें खबर मिली थी अफीम कोटी के पास में ना एक सीक्रेट जगह बम रखो है, हम भाई की छानबीन की लाने आई थी। जाओ तो जैसा रू पागल है। झूठ, झूठ के ऊपर एक और झूठ, फिर एक और झूठ, झूठ झूठ झूठ। Oh, I'm sorry. सर, झूठ का तो इस आदमी ने टॉवर बना दिया है सर। सही बात यह है हप्पू सिंह कि हमें खबर मिली थी कि रॉबर्ट जो है स्मगलिंग का माल लेकर आने वाला है, और जैसे ही वो अफीम कोठी पर अपना बैग लेने आएगा हम उसे धर दबोचेंगे। लेकिन रॉबर्ट नहीं आया, उसका आदमी आया। ये हम कहूँगी आप
कोई की आदमी नहीं है सर, हम तो राजू राजेश की आदमी है और कोई की नहीं है, हम कसम से कह रहे सिर्फ हम छानबीन कराने आए थे। हेलो एवरीबॉडी, ओ हेलो, आई एम इज देयर एंड एवरी मी कमलेश मी विद माय न्यूज चैनल एक्चुअली मी गेटिंग द न्यूज ऑफ बॉम्ब, वेयर इज बॉम्ब? चुप हो जा दी के लट, इतनी देर से मेला देख रहे हो तू, बहुत देर से आए, इंतजार कर रहे हम कब के? सर मैं क्या कहता हूँ, हाँ हाँ देखो हम समझ रहे थे कि इस बैग में स्मगलिंग का सामान है और ये हप्पू बोल रहा है कि इसमें बम है, अब तो मीडिया वाले भी आ गए सर। हाँ सर, हम ना ये बैग खुलवा लेते हैं, फिर पता चल जाएगा कि कौन सही है और कौन गद्दार। वेरी गुड मनोहर, वेरी गुड। हप्पू सिंह बैग खोलो। अरे अंकल जी आप चिंता मत करिए, मीडिया आपके साथ है, मैं आपके साथ हूँ, देश की जनता आपके साथ है। खोलिए अंकल जी, आई एम प्राउड ऑफ यू। हट जाओ, बम इतना नक्शा मार के जमा बम है। सब सावधानी सावधानी। ये देखो बम निकला।